नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा अबाउट नेचुरल गैस। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ मेनी इक्विपमेंट यूज इन सीएनजी स्टेशन। सो स्टार्ट। फर्स्ट आपका होता है इनलेट पाइपलाइन। इनलेट पाइपलाइन क्या होता है? गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम पाइपलाइन का यूज करते हैं, जैसे सीएनजी स्टेशन, प्लांट या खाना बनाने के जो गैस यूज करते हैं उसको वहां तक पहुंचाने के लिए हम पाइपलाइन का यूज करते हैं। हाई प्रेशर के लिए कार्बन स्टील का पाइपलाइन यूज करते हैं और लो प्रेशर के लिए पॉलीथिलीन पाइपलाइन का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है आइसोलेशन वॉल्व। आइसोलेशन वॉल्व हम क्यों लगाते हैं? आइसोलेशन वॉल्व से हम गैस के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। जैसे हम अगर कोई मेंटेनेंस करने जा रहे हैं या कहीं गैस लीकेज है उसको अरेस्ट करने जा रहे हैं या कोई सेफ्टी पर्पस से हम इस वॉल्व से हम गैस के फ्लो को रोक सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मीटर स्किड। मीटर स्किड क्या होता है? ये मल्टी फंक्शन होता है। इसमें क्या होता है, फिल्टर लगे होते हैं। फिल्टर क्या करता है, जो गैस में डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको ये फिल्टर करता है। और इसमें पीआरवी लगी जाती है, प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व जिसको बोलते हैं। पीआरवी क्या करता है, आपका जो गैस का प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारा कंप्रेसर है, हमको उसको कितना इनलेट प्रेशर देना है कि उससे ज्यादा ना जाए, वो पीआरवी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें लगा होता है फ्लोमीटर, जो कि हमारा काउंट करता है कि कितना गैस हमने यूज किया है, कितने केजी गैस हमने यूज किया है। इसके बाद आता है हमारा कोनिकल फिल्टर। कोनिकल फिल्टर क्या होता है? कोनिकल फिल्टर हमारा सक्शन फिल्टर के इन पे लगा होता है, जो आपका इसको स्ट्रेनर भी बोलते हैं। ये 25 माइक्रोन या 45 माइक्रोन तक के होते हैं। ये क्या होता है, इसमें गैस में जो आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं या डस्ट पार्टिकल होते हैं जो 25 माइक्रोन से ऊपर के होते हैं या 45 माइक्रोन से ऊपर के होते हैं उसको ये फिल्टर करके वहीं पे रोक देता है। इसके बाद गैस हमारा इन होता है सक्शन फिल्टर में। सक्शन फिल्टर क्या होता है, इसमें दो पैरेलल फिल्टर लगे होते हैं, एक स्टैंड बाय पे होता है और दूसरा आपका ऑनलाइन होता है। वन फिल्टर यूज करते हैं। यदि जो वो फिल्टर अगर चोक हो गया तो उस फिल्टर को हम बंद करके जो स्टैंड बाय फिल्टर है उसको हम लाइन पे ले लेते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि वो फिल्टर आपका चोक हो गया है, उसके लिए हमारा लगा होता है डिफरेंशियल प्रेशर गेज, जिसको डीपी गेज बोलते हैं। डीपी गेज में क्या होता है, दो पॉइंट होते हैं। एक आपका पॉइंट जो है इन सक्शन फिल्टर के इन पे लगा होता है, दूसरा पॉइंट आपका सक्शन फिल्टर के आउट पे लगा होता है। उसमें क्या होता है, जो प्रेशर हमारा कितना इन पे आ रहा है और कितना हमारा आउटपुट मिल रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, कितना प्रेशर, कितने केजी गैस का ड्रॉप हो रहा है, वो हमारा डीपी गेज में शो करता है। तो अगर 0.5 बार से अगर हो रहा है या उससे ऊपर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो हम समझ लेंगे कि वो फिल्टर चोक हो गया है। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, हम वो फिल्टर बंद कर देंगे, जो स्टैंड बाई फिल्टर है उसको हम लाइन पे ले लेंगे। और जब हम कभी मेंटेनेंस करने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं जो चोक फिल्टर है उसको हम खोल के चेक कर सकते हैं। अगर वो क्लीन करने से सही हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा गैस, फिर जाता है हमारा कंप्रेसर में। तो कंप्रेसर होते हैं कई टाइप के होते हैं, कई सक्शन प्रेशर पे डिजाइन होते हैं। जैसे हमारा सक्शन प्रेशर होता है 4 bar से 200 bar तक का प्रेशर होता है हमारे पास इनलेट पे। तो हम डिपेंड करता है वो जिस एरिया में हमको कंप्रेसर लगाना है वहां पर कितने बार हमारा इनलेट प्रेशर प्रेजेंट है, हमको मिल रहा है, उसके हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं वो कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कंप्रेस करके उसको कन्वर्ट करता है। आपका जैसे मान लीजिए हमारा 4 bar है, 4 bar प्रेशर इन पे आ रहा है तो कंप्रेस करके हमारा 250 bar तक कर सकता है वो। उसके बाद हमारा आता है प्योरिटी पैनल। प्योरिटी पैनल क्या करता है, प्योरिटी पैनल कंट्रोल करता है फिलिंग सीक्वेंस को। यानी उसको 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 पता होता है कि कब हमारा डिस्पेंसर में भेजना है गैस को, कब कैस्केड में भेजना है, कब मोबाइल कैस्केड में भेजना है। उसके हिसाब से वो जहां पर रिक्वायरमेंट होती है वहां पर वो गैस को सीक्वेंस के हिसाब से फ्लो कराता है। अब प्योरिटी पैनल कई टाइप के होते हैं, जैसे 9 bank प्योरिटी पैनल होता है, ये हमारा यूज होता है मदर स्टेशन पे। और 7 bank प्योरिटी पैनल आपका होता है ऑनलाइन स्टेशन पे। और 3 bank प्योरिटी पैनल आपका डीटीसी डिपो में, डीटीसी डिपो यानी जहां जहां पर आपका बस फिलिंग पॉइंट होता है वहां पर हम 3 bank प्योरिटी पैनल यूज करते हैं।
उसके बाद दोस्तों जाता है आपका गैस कैस्केट में, स्टोरेज कैस्केट जिसको स्टोरेज बैंक भी बोल सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है कैस्केट में, कैस्केट थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, लो मीडियम हाई बैंक, तीन बैंक होता है लो मीडियम और हाई बैंक। सबसे ज्यादा सिलेंडर होता है लो बैंक में, उसके बाद होता है मीडियम में, उसके बाद होता है हाई बैंक में। अब इसमें इस बैंक कैस्केट में जो गैस 250 बार तक फिल होता है, जैसे 250 बार तक प्रेशर रीच करता है तो क्या होता है हमारा कंप्रेसर स्टॉप हो जाता है और यहाँ पर हमारा गैस स्टोर हो जाता है। इसमें इसमें आपका कैस्केट जैसे आप कैस्केट देख रहे हो, ये आपका कैस्केट का वॉल है, इसमें क्या होता है सेफ्टी डिस्क लगी होती है। अगर मान लीजिए कभी बाई चांस हमारा कंप्रेसर बंद नहीं हुआ, 250 बार से ऊपर प्रेशर चला गया, तो क्या होता है वो सेफ्टी डिस्क क्या होता है पास कर जाता है, तो हमारा क्या होता है सिलेंडर एक तरह से सेफ हो जाता है, जो उससे ज्यादा गैस होता है वो आपका वेंट हो जाता है। तो ये होता है आपका कैस्केट। उसके बाद हमारा आता है डिस्पेंसर। डिस्पेंसर में क्या होता है कैस्केट में जाता है और प्योरिटी पैनल, ये दो आपने आपने सुना। उसके बाद हमारा गैस जाता है डिस्पेंसर में, डिस्पेंसर में जो गैस आता है वो 250 बार इन होता है, लेकिन जो हमारा गाड़ियों में गैस भरी जाती है वो 200 बार तक जाता है गाड़ियों में। हमारे इसमें पीआरवी लगा होता है जो कि उस गैस को, गैस के प्रेशर को कंट्रोल करता है। 200 बार से ज्यादा गैस गाड़ी में नहीं फिल होता, वहां 200 बार जब गाड़ी में गैस हो गया यहाँ डिस्पेंसर उसको कट कर देता है। इसमें भी कई सेफ्टी फीचर्स होते हैं, इसमें आपका इमरजेंसी स्विच होता है, मैनुअल वॉल लगे होते हैं, जैसे इनकेस इमरजेंसी इनकेस कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है तो हम मैनुअल वॉल को बंद कर सकते हैं या इमरजेंसी हम मार के उसको बंद कर सकते हैं तो फिलिंग होना बंद हो जाएगा। और इमरजेंसी आपके बहुत सारी जगह लगी होती है, जैसे एक इमरजेंसी आपका कंप्रेसर पे होता है, एक प्योरिटी पैनल पे होता है, एक आपका मैनेजर रूम के अंदर होता है, एक आपका कंट्रोल पैनल पे होता है, यानी तीन चार जगह इमरजेंसी लगी होती है अगर कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या कुछ कुछ भी ऐसा होता है जो जिससे या तो प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है या किसी को एक्सीडेंट होता है, किसी पर्सन का लॉस हो सकता है, उस केस में हम इमरजेंसी मार के हम कंप्रेसर को बंद कर देते हैं। जैसे इमरजेंसी मारते हैं हमारा फिलिंग भी बंद हो जाती है और कंप्रेसर भी बंद हो जाता है। उसके बाद हम आता है CO2 फ्लडिंग सिस्टम। CO2 फ्लडिंग सिस्टम क्या होता है, दो हर कंप्रेसर के साथ CO2 सिलेंडर लगे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक होते हैं। अगर कंप्रेसर में कहीं स्पार्क होता है या कोई कुछ चीज जलता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसमें क्या होता है दो होता है, एक आपका मैनुअल होता है एक ऑटोमेटिक होता है। इसमें आपका 40 से 45 kg गैस होता है। अब टोटल अगर सिलेंडर और गैस का टोटल वेट देखें तो 125 kg के अप्रॉक्स होता है। इसमें दोनों होता है, एक होता है जैसे आपका ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा, CO2 गैस कंप्रेसर में जाने लगेगा आग बुझाने के लिए, और दूसरा क्या होता है वो मैनुअल होता है, उसको मैनुअली ऑन करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारा एयर कंप्रेसर। हमारे एक स्टेशन पे एयर कंप्रेसर भी लगे होते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए स्टेशन पे आपका मोटर ड्रिवन नहीं है, गैस इंजन आपका इंजन ड्रिवन कंप्रेसर है, तो क्या होगा उसको स्टार्ट करने के लिए हमको एयर की जरूरत होती है, तो यहाँ से हमको एयर मिल जाता है। और हमारे जितने एक्चुएटर लगे होते हैं कंप्रेसर के अंदर वो सब ऑपरेट होते हैं एयर से, और एयर से हम और यूज करते हैं कंप्रेसर कूलर क्लीन कर सकते हैं, सक्शन फिल्टर क्लीन कर सकते हैं और कंप्रेसर को भी क्लीन कर सकते हैं, तो ये हमारा एयर का यूज होता है। उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिकल पैनल रूम। इलेक्ट्रिकल पैनल क्या होते हैं, इसमें दो तरह से होते हैं, एक तो आपका होता है मेन इलेक्ट्रिकल पैनल जो मेन आपका ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है कंप्रेसर को जाता है, स्टेशन को जाता है, स्टेशन के लाइट्स को जाता है, वहां से सारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और दूसरा होता है हमारा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल भी हमारे दो तरह से होते हैं, जो कंट्रोल पैनल होते हैं फायर प्रूफ होते हैं। एक होता है कि कंट्रोल पैनल जो कि कंप्रेसर के साथ ही इनबिल्ड होता है, जो कंप्रेसर पे ही लगा होता है, और दूसरा होता है एक रिमोट एटीएम लगा होता है, दूसरे टाइप का रिमोट एटीएम होता है जो कि हमारा मैक्सिमम आप देखे होंगे कि हमारा इलेक्ट्रिकल रूम में ही वो कंट्रोल पैनल मिलेगा, जिसको हम पीएलसी पैनल भी बोलते हैं। वहां से हम कंट्रोल पैनल से हम कंप्रेसर को कमांड दे सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, सारे जो भी कंट्रोल करना हो कंप्रेसर को हम कंट्रोल पैनल के थ्रू करते हैं। इसके बाद हमको एक इक्विपमेंट और मिलता है सीएनजी स्टेशन में, गैस जनरेटर। गैस जनरेटर क्या होता है, गैस ऑपरेटेड होता है ये सीएनजी, जो हम गैस सीएनजी गैस हमारा अवेलेबल है स्टेशन पे उसी को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं इस जनरेटर के थ्रू। अगर ये क्या है, अगर स्टेशन पे लाइट नहीं है, पावर सप्लाई नहीं आ रही है, तो उस केस में हम
इसका यूज करते हैं। ये वीडियो यहीं तक था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, धन्यवाद।